गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमने शुरू किया 10th क्लास का चैप्टर नंबर 9 वंशानुक्रम तथा चयन विकास, और इसकी फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए थे जिनमें कुछ टर्म्स थी जो बेसिक टर्म जो इस चैप्टर में यूज हो रही है, जैसे फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या होता है, F1PD या F2PD क्या होती है, गुणसूत्र क्या है, इस तरह की अलग अलग टर्म्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद मैंने फर्स्ट वीडियो में मेंडल की हिस्ट्री मैंने बताई थी कि मेंडल सबसे पहला वैज्ञानिक था जिसने वंशानुक्रम के बारे में बताया था। उसका जन्म 1822 में हुआ। 1859 में उसने अपने एक्सपेरिमेंट शुरू किए मटर के पौधे पे, और 1866 और 67 में उसने अपने रिजल्ट को दिया था, लेकिन उसके रिजल्ट्स को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। 1884 में उसकी डेथ हो जाती है। उसके 16 साल बाद 1900 में तीन साइंटिस्ट आए जिन्होंने दोबारा से रिसर्च किया और पता लगाया कि मेंडल ने जो बताया था वंशानुक्रम के बारे में वो सब सही था। तो मेंडल को बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, या ये कह सकते हो फादर ऑफ वंशानुक्रम। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, हकीकत में उसने वंशानुक्रम को किस प्रकार परिभाषित किया या किस प्रकार करके दिखाया कि गुण किस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया था मटर के पौधे को। उसने मटर के पौधे को ही क्यों यूज किया, उसके कुछ कारण थे। क्या कारण थे कि मटर के पौधे का जीवन काल छोटा होता है, मतलब 3-4 महीने में ही उसका पूरा का पूरा लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है। उसमें स्पष्ट अंतर दिखाई देते हैं, मतलब अगर हम मटर के पौधे को देखें तो उसके गुणों में स्पष्ट अंतर दिखाई देते हैं। जैसे अगर पौधा लंबा है तो एक बिल्कुल बोना होगा, एक लंबा होगा, तो इस तरह का स्पष्ट अंतर होगा। ऐसा नहीं है कि लंबा है और बीज का भी है और बोना भी है, इस तरह का उसमें नहीं था। उसमें स्पष्ट अंतर थे जो मेंडल को चाहिए थे। उसके बाद उनमें वृद्धि बहुत तेजी से होती है, मटर के पौधे में वृद्धि तेजी से होती है और उनको आसानी से उगाया जा सकता है। उसके बाद उसकी एक से अधिक पीढ़ियों को कम समय में प्राप्त किया जा सकता है। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स मनुष्य के ऊपर नहीं किए थे, ये बात याद रखना। उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना था मटर के पौधे को। तो मेंडल ने किया क्या था वो हम पढ़ते हैं। देखो, मेंडल ने 7 गुणों का अध्ययन किया। कौन से 7 गुण? उसने ये 7 गुण ले लिए। पौधे की लंबाई, पुष्प की स्थिति, पौधे की लंबाई मतलब भाई पौधा लंबा है कि बोना है, ठीक है। ये 2 तरह के पौधे उसने स्टडी किए थे, एक लंबा पौधा फिर बोना पौधा। देखो, लंबाई एक गुण है, लंबाई तो एक गुण है, एक गुण के 2 रूप होते हैं, ये पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं। जैसे पौधे की लंबाई एक गुण है तो उसके 2 रूप है, पौधा या तो लंबा है या फिर बोना है। उसने लिया पुष्प की स्थिति, पुष्प कहाँ है, या तो पुष्प शीर्ष पे हो सकता है या फिर पुष्प यहाँ हो सकता है। तो पुष्प की स्थिति ये एक गुण है, लेकिन स्थिति कहाँ हो सकती है, या तो वो ऊपर हो सकती है, यहाँ टहनी के साइड में हो सकती है। उसके बाद उसने तीसरा गुण लिया था पुष्प का रंग, मतलब या तो पुष्प का रंग एक गुण है, आगे उसके 2 रूप कौन से हैं, या तो पुष्प रंगीन मिलेगा या फिर पुष्प रंगहीन मिलेगा। उसके बाद लिया उसने बीज का रंग, मतलब जो बीज निकलते हैं मटर के जो दाने से होते हैं उनका रंग कैसा है, कि वो पीले हैं कि हरे हैं। उसके बाद लिया उसने बीज की आकृति, जो बीज उसमें निकलते हैं कि वो बीज गोल है कि झुर्रीदार है। झुर्रीदार का मतलब इस तरह से सिकुड़े हुए से बीज मिलेंगे, उनको बोला जाता है झुर्रीदार, और या फिर गोल बीज मिलेंगे। देखो, बीज की आकृति एक गुण है और उस आकृति के आगे 2 रूप हैं, या तो वो गोल हो सकता है या फिर झुर्रीदार हो सकता है। फली का रंग, फली मतलब जिसके अंदर ये बीज लगते हैं, मटर जो मटर होती है ना, मटर की फली होती है, इसके अंदर बीज लगे हुए मिलते हैं इस प्रकार से, तो ये फली का रंग कैसा है। तो फली का रंग एक हरा मिला उसको, एक मिला पीला। फली की आकृति कैसी है, एक फली तो ऐसी फुली हुई मिलेगी जैसे ये है, एक फली ऐसी मिलेगी कॉन्स्ट्रिक्टेड इसको बोलते हैं, मतलब सिकुड़ी हुई कॉन्स्ट्रिक्टेड। अब देखो, प्रत्येक गुण के आगे 2 रूप हैं, जैसे ये मैंने लिखे हैं ये गुण है और आगे साइड में जो लिखे हैं ये इनके 2 रूप हैं।
तो इस साइड जो मैंने लिखे हैं ये होते हैं प्रभावी गुण और ये होते हैं अप्रभावी। और प्रभावी और अप्रभावी क्या है ये हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कि मेंडल ने किया क्या था। देखो मेंडल ने एक गुण का अध्ययन करने की कोशिश की। एक गुण मतलब एकल संकरण, मतलब उसने सिर्फ एक गुण के ऊपर ध्यान दिया। जैसे पौधे की लंबाई के बारे में अगर वो अध्ययन करने लग गया तो सिर्फ लंबाई को ही देखेगा, उसमें फूल का रंग कैसा आया, रंगहीन है कि रंगीन है, या पुष्प की स्थिति कहाँ है, ऐसे उसने किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दिया। उसने सिर्फ एक ही गुण का अध्ययन किया और वो था पौधे की लंबाई। मतलब एक टाइम में अगर वो एक गुण का अध्ययन कर रहा है तो उसको बोलते हैं एकल संक्रमण। तो उसने क्या किया, देखो उसको जीन क्या है अंदर से किस प्रकार वो प्रेजेंट है उस पहले उसको नहीं पता था। तो उसने क्या किया स्टार्टिंग में, उसने देखा वो गया वहाँ पे तो उसने मटर के पौधों को देखा कि कुछ मटर के पौधे लंबे थे कुछ बोने थे। उसने एक मटर का पौधा ले लिया भाई, लंबा मटर का पौधा, मान लो ये पौधा उसने लिया और एक उठा लिया बोना पौधा। और उसने सोचा कि अगर हम इनकी क्रॉसिंग करवा दे, मतलब भाई इन दोनों का आपस में संकरण करवा दे तो किस प्रकार की संतान उत्पन्न होगी। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों तो क्या है जनक है, ठीक है ना, माता पिता हो गए। तो इनमें से किसी को भी पिता कह सकते हैं किसी को माता कह सकते हैं। लेकिन अब देखो जो मटर का पौधा होता है इसमें नर भाग भी है और देखो इसका पुष्प है, मान लो ये पुष्प है और पुष्प के अंदर एक नर भाग भी होता है और एक मादा भाग भी होता है। तो ये तो आपस में इनिशिएशन कर लेगा तो इससे तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। तो उसको रोकने के लिए मतलब इसका खुद का अपना निषेचन ना कर पाए तो इसके लिए इसने या तो मादा भाग को इसमें से निकाल दो या नर भाग को। अगर हम इसको नर मान रहे हैं, इसको नर मान रहे हैं तो इसके मादा भाग को हम निकाल दें ताकि ये खुद से निषेचन ना कर पाए, क्योंकि हमने तो संकरण इसके साथ करवाना है लंबे का बोने के साथ। तो इसका जो पुष्प था ये भी तो ऐसे ही कर सकता है, मतलब अपना स्व परागण कर सकता है। उसको रोकने के लिए हमने इसको मादा बनाना है तो इसमें से नर भाग को निकाल देंगे हम, ठीक है। तो इसमें से नर निकाल दिया और इसमें से मादा निकाल दी, अब ये नर रह गया और ये रहेगी मादा। अब इसके पराग कणों को हम यहाँ से उठा के इस पे डाल देंगे। रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, जनन में हम पढ़ चुके हैं, जब पराग कण एक पुष्प के गिरते हैं तो वो पराग कण पराग नली बनाते हैं और अंडाणु का जाके निषेचन करते हैं। तो यही काम इसमें हो जाएगा, निषेचन होएगा। निषेचन के बाद क्या होता है, भ्रूण बनता है, बीज का निर्माण होता है, तो बीज बन जाएंगे, ठीक है भाई। जब बीज बने, वो बीज जब इसके अंदर बने तो मेंडल ने बीज को लिया और मिट्टी में लगा दिया। तो उसने देखा कि सारे के सारे लंबे ही पौधे निकले, सारे लंबे पौधे, एक भी पौधा छोटा नहीं आया, ठीक है भाई। तो मेंडल तो हैरान रह गया क्योंकि उसको उम्मीद ही नहीं थी कि इस तरह का रिजल्ट भी आएगा, क्योंकि उसने तो एक लंबा लिया एक बोना लिया ये सोच के कि अगर इन दोनों का संकरण करवा दे। जैसे अगर आप एक्सपेरिमेंट करने लग जाओ दो चीजों के बीच में, भाई कोई एक गाय है जो रंगीन है एक बिल्कुल सफेद है उनके बीच में संकरण करवाए तो हम ये देखना चाहें कि भाई इनके संकरण से क्या प्राप्त होगा। हो सकता है बछड़ा दोनों का मिला जुला प्राप्त हो, आधा सा सफेद आधा सा रंगीन, हो सकता है ऐसा हो जाए। तो हमारी तो ये उम्मीद रहेगी कि हो सकता है कुछ अलग मिले, लेकिन उसको क्या प्राप्त हुआ, उसको सारे के सारे लंबे ही मिले, मतलब कोई इसके जैसे ही मिले सारे लंबे बाहर से। तो वो हैरान था कि क्या इसके अंदर इस छोटे या बोने पौधे के गुण नहीं आए। तो ये देखने के लिए कि क्या इसके अंदर इस बोने पौधे के गुण आए हैं कि नहीं आए हैं, तो इसकी करवा दी उसने स्व परागण। मतलब क्या, ये जो पौधा है ना इसी के पुष्प का स्व परागण करवा दिया, मतलब इसी में मादा है और इसके जो परागकण थे इसी के ऊपर गिर जाते हैं। तो इसने अपने आप स्व परागण कर लिया भाई, एक परपरागण होता है ना, स्व परागण होता है, तो इसने कर लिया। तो उसने फिर जब इसमें अब निषेचन हो जाएगा बीज मिलेंगे, फिर उसने बीजों को लगाया, जितने भी बीज उसको मिले इस तरह से सभी बीजों को लगाया। तो उसने देखा कि इनके लगाने से उसको लंबे पौधे प्राप्त हुए, लंबे पौधे प्राप्त हुए, लंबे पौधे प्राप्त हुए और एक प्राप्त होगा भाई बोना पौधा। मतलब
एक नहीं प्राप्त हुआ, उसको जितने बीज प्राप्त हुए थे उसने सारे लगा दिए, तो उसको उसने जितने लगाए, जैसे मान लो उसने 1000 बीज लगाए या 1083 मतलब 1082 इतने लगा दिए, तो उनमें से उसको 700-800 जो प्लांट मिले वो तो लंबे मिले और बाकी के जो मिले छोटे मिले। जब उसने उनका अनुपात निकाला तो वो अनुपात निकला कितना, 3:1। मतलब क्या, देखो ये दो जनक थे, माता पिता थे, ये इनकी पहली पीढ़ी आई जिसको बोलते हैं F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, सारे के सारे कैसे आए, लंबे। अब ये देखना चाहता था कि क्या इसमें बोने पौधे के गुण आए कि नहीं, इसने खुद के अंदर स्वपरागण करवा दिया, मतलब नर भी वैसा ही, मतलब इसके अंदर जो चीज है नर भी यही है मादा भी यही है, तो जो चीज नर में है वही मादा में है, तो स्वपरागण करेगा। आगे जो प्राप्त हुए इसको बोलेंगे हम F2 पीढ़ी, F2 जनरेशन है, तो इसमें क्या प्राप्त हुआ, 3 तो मिले लंबे और 1 मिला छोटा। तो यहां से उसने क्या बता दिया, उसने बताया भी F1 में मतलब पहली पीढ़ी में बोने पौधे के गुण थे, अगर इसमें नहीं होते तो यहां कहां से आते, यहां भी दिखाई नहीं देते, अगर इसमें गुण बिल्कुल नहीं आते F1 में तो F2 में कहां से दिखाई देते, F2 में भी नहीं दिखाई देते। इसका मतलब इसमें गुण थे किसके, बोने के, लेकिन दिखाई नहीं दिए। तो ये सब चीजें देख के उसने क्या बताया, उसने बताया कि इन गुणों का निर्धारण करने वाला, मतलब इन गुणों को दिखाने वाला कोई ना कोई फैक्टर है जो इसके अंदर है, पौधे के अंदर। उसने जीन नाम नहीं दिया था, उसने जीन को फैक्टर बोला था कि कोई ना कोई फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है, उसने कहा जैसे ये जो लंबा पौधा है ये शुद्ध लंबा पौधा है, कैपिटल टी मान लेते हैं, कैपिटल टी क्यों मानते हैं हम, देखो जब एक कोशिका होती है, एक कोशिका में गुणसूत्र जोड़े में होते हैं, इस प्रकार इन गुणसूत्रों में एक जोड़ा तो होता है नर का और एक होता मादा का, तो जो गुणसूत्र नर में है वही मादा में होते हैं उसी प्रकार के। तो अगर यहाँ पे लंबाई के लिए कोई जीन है या फैक्टर है तो इस गुणसूत्र पे भी लंबाई के लिए जीन है, क्यों, क्योंकि जो गुण नर में है लगभग वही गुण मादा में होते हैं। जैसे हम देखें अगर पुरुष में हाथ पैर नाक कान ये सब कुछ स्त्री में भी है और पुरुष में भी है, इसका मतलब उसके बहुत सारे गुणसूत्र तो आपस में मिलते जुलते होंगे, बस थोड़ा बहुत अंतर है वो सेक्स ऑर्गन में, मतलब एक गुणसूत्र में कहीं अंतर है, बाकी तो सारे बराबर ही है। और एक गुणसूत्र के ऊपर अगर कोई चीज है तो वो नर में भी है और मादा में भी है, मतलब यहाँ अगर नर वाले पे लंबाई वाला जीन है तो मादा वाले में भी यहीं पे लंबाई वाला जीन है, और इन दोनों जीनों को ये एक ही जीन की दो रूप है, इनको हम बोलते हैं एलील। क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं, एलील एक जीन के दो रूप जिनके स्थिति में समानता होती है, पोजीशन समान होती है, उनको बोला जाता है एलील। तो उस इस चीज को समझाने के लिए मेंडल ने बताया कि इन गुणों का निर्धारण कोई ना कोई फैक्टर करता है, और वो फैक्टर होता है क्या, जोड़े में होते हैं। तो ये कैपिटल टी ये किसका हो गया भाई, ये इसका हो गया शुद्ध, शुद्ध कहेंगे तो शुद्ध का मतलब दोनों एक जैसे, और मादा में जो था वो था स्मॉल टी। ठीक है, मतलब ये बोने पौधे का है और ये लंबे पौधे का है। अब ये नर था, जब ये आगे युग्मक बनाएगा, और हम पढ़ चुके हैं कि युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, तो ये युग्मक बनाएगा ऐसे आधे आधे, ये अंडाणु बनाएंगे उसमें भी आधे हो जाते हैं, तो ये हो जाएंगे। तो ये तो जनक का हो गया अभी, और ये हो गए युग्मक। अभी निषेचन करेंगे, ठीक है ना, यहां से परागकण निकल के इसके पास गया तो ये इसके पास चलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ मिले तब भी यही आएगा, ये इसके साथ मिले तब भी यही आएगा, ये इसके साथ तब भी यही, ये इसके साथ तब भी यही, मतलब सभी केस में समान ही आएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। और पहली जनरेशन में इसको कैसे मिले थे सारे, ये लंबा होगा, लंबा। ठीक, अब देखो इसमें कैपिटल टी है लंबे वाला, स्मॉल टी भी है छोटे वाला, लेकिन फिर भी ये लंबा है, इसका मतलब क्या है, स्मॉल टी के होते हुए भी
ये लंबा है तो इसका मतलब क्या है कि स्मॉल टी ने अपना गुण नहीं दिखाया, किसके कारण? कैपिटल टी के कारण। तो कैपिटल टी यहाँ पे क्या हो गया, ये तो प्रभावी जीन हो गया, डोमिनेंट हो गया किसके ऊपर, स्मॉल टी के ऊपर, ठीक है। अब ये तो होगी एफ वन जनरेशन, अब इसकी करवा दी उसने सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब क्या है, यही तो नर है, नर यही नर है, यही मादा है, मतलब नर अगर लेंगे तो नर में भी ये कैपिटल टी स्मॉल टी और मादा में भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना। सेल्फिंग का मतलब क्या है, खुद में इनिशिएशन कर रहा है कि नर का भी यही जीनोटाइप है और मादा का भी, तो जनक ये नर होगा ये मादा होगी। अब ये युग्मक बनाएंगे, जब ये युग्मक बनाएगा तो आधे एक में ये दूसरे में आधे में ये जाएंगे, अब ये बनाएगा तो कैपिटल टी ये हो गया, ठीक है ना। अब ये अगर इसके साथ मिलता है ऐसे तो कैपिटल टी कैपिटल टी, ये इसके साथ मिलता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ मिलता है तो कैपिटल टी को पहले लिख देंगे स्मॉल टी को बाद में, ये हो गया। अब ये इसके साथ मिलता है स्मॉल टी, ठीक है भाई। अब ये इसके कारण तो लंबा हो गई, होगा ना पौधा कैपिटल टी कैपिटल लंबा, ये तो शुद्ध लंबा हो गया। अब ये जो है दोनों इनमें भी लंबा ही होगा पौधा, देखो ना यहाँ पे लंबा आया था तो ये दोनों भी लंबे ही होंगे, लंबा हो गया ये भी लंबा हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा बोना होगा, तो कितना अनुपात आया उनका, तो लंबे कितने हो गए तीन, बोना कितना हो गया एक, तो तीन अनुपात एक। लेकिन ये तीन अनुपात एक किस में है, यो फिनोटाइप है, फिनोटाइप में, फिनोटाइप का मतलब है उनके बाहरी बनावट में अनुपात है ये तीन अनुपात एक, जबकि उनके अगर जीनोटाइप देखें, जीनोटाइप मतलब जीन में क्या अनुपात है, तो जीन में देखो कैपिटल टी एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये दो है और स्मॉल टी एक है, तो एक अनुपात दो अनुपात एक ये जीनोटाइप का अनुपात है, ठीक है भाई, ये जीनोटाइप का अनुपात है। तो इस प्रकार मेंडल ने बताया था प्रभावी तथा अप्रभावी जीन के बारे में कि किस प्रकार एक जीन प्रभावी होता है और किस प्रकार एक जीन अप्रभावी होता है, क्यों, क्योंकि जब उसको पहली जनरेशन दिखाई दी तो पहली जनरेशन में सारे के सारे लंबे पौधे मिले और लंबे पौधे मिले और उनकी सेल्फिंग करवाई तो फिर बोना भी मिला, तो यहां बोना आ गया तो क्या इसमें बोने के गुण नहीं थे, इसमें भी बोने के गुण थे लेकिन दिखाई नहीं दिए, तो यहां से उसने बताया कि एक जीन जो होता है वो डोमिनेंट है और दूसरा क्या है रिसेसिव है, मतलब डोमिनेंट प्रभावी तथा अप्रभावी जीन का कंसेप्ट यहां से उसने बताया है। इसको मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस भी बोला जाता है, मतलब मेंडल का प्रभावी नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस भी बोला जाता है। और एक गुण का अध्ययन कर रहा है तो इसको बोला जाएगा एकल संकरण, मतलब क्या सिर्फ पौधे की लंबाई का अध्ययन किया तो इसलिए इसको बोलेंगे हम एकल संकरण, बात समझ में आएगी। इस प्रकार मेंडल ने एकल संकरण द्वारा यह समझाया कि प्रभावी तथा अप्रभावी जीन क्या होते हैं, ठीक है भाई। उसने द्विगुण संकरण भी करवाया था, मतलब एक तो होगा भाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड मतलब एक गुण के लिए, फिर उसने क्या किया था उसने दो गुणों के एक साथ अध्ययन किया, जैसे उसने एक ले लिया भाई बीज की आकृति, मतलब बीज गोल है कि चूड़ीदार है, फिर एक ले लिया बीज का रंग, देखो गुण दोनों अलग अलग है, बीज का रंग देखो इधर लिखा है ना, बीज का रंग एक गुण है, बीज की आकृति दूसरा गुण है, बीज का रंग बीज पीला है कि हरा है, देख उसने क्रॉसिंग करवा के देखी है शुद्ध में, शुद्ध के अंदर क्रॉसिंग करेगा तब भी पता चल सकता है, शुद्ध मतलब क्या प्योर टाल, मतलब शुद्ध लंबा होना चाहिए उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, प्योर टाल क्या होगा कैपिटल टी देखो लंबा तो ये भी है कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन ये नहीं लिया उसने, उसने प्योर टाल और प्योर ड्वार्फ मतलब बिल्कुल शुद्ध बोना और शुद्ध लंबा पौधा लिया, फिर उनकी आपस में संकरण करवा के देखा कि किस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का संचरण होता है, इसको प्रभावी तथा अप्रभावी जीन यहाँ से निकल के आए। लेकिन देखो मेंडल का ये नियम ना हर जगह लागू नहीं होता, मेंडल के इस नियम के अनुसार तो या तो कोई चीज बिल्कुल छोटी होगी या बिल्कुल लंबी होगी, बीज की तो होनी ही नहीं इसके हिसाब से, तो या ये कह लो कि इंसान या तो बिल्कुल गोरा होगा
ये बिल्कुल ही काला होगा, बीच के नहीं होंगे। तो ऐसा तो नहीं है, बीच के भी तो हैं, बिल्कुल फेयर है, बिल्कुल ब्लैक नहीं है, बीच के भी कलर हैं। तो इसलिए ये जो मेंडल का नियम था, मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं था, मतलब पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं हुआ था। ये कुछ चीज़ों तक तो लागू है लेकिन हर जगह लागू नहीं था। तो ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। इससे आगे हम पढ़ेंगे अब द्विगुण संकरण में, मतलब जब वो दो गुणों का अध्ययन एक साथ करेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।